नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा। जनता दरबार की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रण सजता नजर आ रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपने अपने उम्मीदवारों को लगातार चुनावी मैदान में उतारे जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस बार राजस्थान में लड़ाई कांग्रेस के आत्मविश्वास की है, तो दूसरी ओर चुनावों से पहले खेमों में बढ़ चुकी भाजपा के वर्चस्व की। सत्तारूढ़ कांग्रेस फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेरना चाहती है, यानी इस बार राजस्थान में टक्कर कांटे की है। अभी तक की बात करें तो जहां तक अब तक भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की जो दो सूची जारी की है, तो कांग्रेस ने भी लगातार अपनी दो सूचियां जारी कर दी है। भाजपा ने अपनी सूचियों में अब तक 124 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस भूख भूख कर कदम रखती नजर आ रही है। कांग्रेस ने पहली सूची में 33 और दूसरी में 43 उम्मीदवारों की घोषणा की है, यानी अभी कांग्रेस को कुल 124 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने हैं। बताना चाहेंगे कि पहले कांग्रेस ने जब 33 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, तब चर्चाएं थी कि राजस्थान में सियासी संकट के दौरान सरकार का साथ देने वाले निर्दलीय और अन्य दलों से आए विधायकों का आखिर क्या होगा, क्योंकि गहलोत ने उस दौरान हर छोटे बड़े सियासी मंच से उन निर्दलीय और अन्य दलों से आए विधायकों की तारीफ की थी। पहली सूची में पायलट समर्थकों के नाम ज्यादा नजर आए थे, लेकिन रविवार को जो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई, उसमें उन चर्चाओं पर कहीं ना कहीं विराम लग गया, क्योंकि ओम प्रकाश हुड्डा, संयम लोढ़ा, बाबूलाल नागर सहित राजकुमार शर्मा इस सूची में जगह बना पाए। हालांकि अभी शाहपुरा से आलोक बेनीवाल है, उनके नाम पर मोहर नहीं लग पाई है। ओम प्रकाश हुड्डा को तो टिकट मिलने से पहले ही प्रियंका गांधी के जो कार्यक्रम था सिकराय में, सीएम अशोक गहलोत ने वहां पर ऐलान कर दिया था उनको जिताने का। संयम लोढ़ा को सिरोही से चुनावी मैदान में उतारा गया है, गहलोत साहब के खास माने जाते हैं। बाबूलाल नागर पिछली बार बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीत गए थे, सरकार के सियासी संकट में गहलोत का साथ दिया था। इसी तरह राजकुमार शर्मा की बात करें तो वो नवलगढ़ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। एक और विधायक है राजेंद्र गुढ़ा, हालांकि वो लाल डायरी का मुद्दा उठाकर गहलोत के खिलाफ में उतर चुके हैं और हाल ही उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की है। यही नहीं, गहलोत के भरोसेमंद कहे जाने वाले पूर्व आईएएस और राजस्थान में मुख्य सचिव रह चुके निरंजन आर्य को भी टिकट दिया गया है सौजत से। खैर, अगर पायलट समर्थकों की बात करें तो नसीम अख्तर इंसाफ, विश्वेंद्र सिंह, मुरारी लाल मीणा, इंद्राज गुजर, रामनिवास तावड़िया और मुकेश भागर को टिकट मिल गया है। अब बात करते हैं आखिर राजस्थान में सियासत का यह रट इस बार खास क्यों रहने वाला है। दरअसल इस बार ऐसा कोई स्पष्ट सर्वे नहीं है जिस पर यकीन कर लिया जाए कि जीत कांग्रेस की होगी या भाजपा की। वजह है, राजस्थान में भाजपा कई धड़ों में बटी हुई है। वसुंधरा राजे के फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके अलावा भाजपा की पहली सूची में नरपत सिंह राजवी और राजपाल सिंह शेखावत का नाम काटा जाना, फिर दूसरी सूची में सांगानेर से राजे समर्थक लाहौटी की जगह भजनलाल शर्मा को टिकट देना, उधर कैलाश वर्मा को जो बगरू से प्रत्याशी बनाने का विरोध भी चल रहा है, इधर राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी है को उनको भी भारी कैंडिडेट बताकर स्थानीय भाजपा विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि भाजपा का विरोध जो खेमा है पिछले दिनों उग्र रूप ले चुका है, विरोध है। जो कांग्रेस की बात करें तो सत्तारूढ़ कांग्रेस में गहलोत और पायलट एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात करें, हालांकि जो गुटबाजी उनकी रही है सियासी हलकों में पूरे देश में चर्चा में रही है। दोनों ही नेताओं ने समर्थकों को आलाकमान ने संतुलन बनाते हुए फिलहाल टिकट दिया है। मालवीय नगर से दो बार हार चुकी जो अर्चना शर्मा है, यहाँ विरोध उनके ऊपर भी जारी है। विप्र कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा मालवीय नगर से जो गहलोत के खासम खास माने जाने वाले राजीव अरोड़ा हैं, उनको टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस में विरोध के सुर मुखर होने की संभावना है। यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस की दोनों ही सूचियों में सीएम गहलोत के तीन दिग्गजों के टिकट अभी घोषणा नहीं किए। शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट नहीं दिया गया है। माना जा रहा है कि साल भर पहले आलाकमान के एक बुलावे पर ये तीनों ही हाजिर नहीं हो पाए और धारीवाल के यहाँ पर जो राजकीय निवास पर डेरा डाले थे। बताया जा रहा है कि आलाकमान को आंख दिखाने का बदला आलाकमान इनसे ले सकता है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करें तो सीएम गहलोत को लेकर बगावती तेवर दिखा चुके हैं शुरुआत में, लेकिन बाद में इन्होंने मैनेज कर लिया था। इनको सिविल लाइन से टिकट दे दिया गया है। यानी स्थितियां दोनों तरफ से चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है, लेकिन भाजपा की तरफ से ज्यादा है, क्योंकि वसुंधरा राजे को झालरापाटन से और उनके कई समर्थकों को टिकट मिलने के बावजूद भी वे उतनी सक्रिय नजर नहीं आ रही है जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। हालांकि बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे के दबाव में ही शाहपुरा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधानसभा में जो स्पीकर रह चुके हैं कैलाश मेघवाल को फिर से पार्टी में शामिल किया जा सकता है। उन्हें अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के मामले में पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। कांग्रेस में सीएम गहलोत अपने भरोसेमंदों पर दाव लगाते नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और राजस्थान के मुख्य सचिव जैसे कि नरेंद्र आर्य की बात की थी, उनको सौजत से टिकट दिया गया है।
अगर राजस्थान के अलग अलग अंचलों की बात की जाए इस दौरान, तो बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली भाड़ौती में बीजेपी ने अभी तक 2 सीटों पर टिकट डिक्लेयर किया है, जबकि कांग्रेस ने 1 पर भी नहीं दिया है। मेवाड़ बागड़ में 28 में से कांग्रेस ने 13 सीटों की घोषणा कर दी है। पिछले चुनाव में यहाँ कांग्रेस ने 11 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा को यहाँ 15 सीटें मिली थी। इसी तरह शेखावाटी की 21 सीटों में से पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने 3 जीती थी। बाकी 1 बीएसपी और 1 निर्दलीय ने जीती थी। यहाँ भी कांग्रेस ने 13 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस चुनावी रण की हार जीत का अंतिम फैसला तो राजस्थान की जनता करेगी, लेकिन जो धारणा, जो संभावनाएं बन जाती है चुनाव से पहले ही किसी दल को लेकर, वह इस बार नजर नहीं आ रही है। उसके लिए अभी इंतजार करना ही ठीक रहेगा। चुनावी चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।